राजीव हरिओम भाटिया यानी अक्षय कुमार एक वक्त के ये सबसे ज्यादा फीस लेने वाले अभिनेता थे और वो ये डिजर्व भी करते थे। 2021 में सूर्यवंशी के बाद अक्षय ने हिट का मुंह नहीं देखा। एक के बाद एक फ्लॉप ने अक्षय को सबसे ज्यादा रिस्की एक्टर्स में खड़ा कर दिया है। मोटी फीस के बाद फिल्म का ये हाल देखकर प्रोड्यूसर्स के क्या हाल होते होंगे ये वही समझ सकते हैं। बैक टू बैक फ्लॉप फिल्मों का सामना कर रहे अक्षय कुमार ने अब करियर में एक बड़ा दाव खेलने की कोशिश की है। उन्होंने अब शाहरुख खान की फिल्म के डायरेक्टर संग हाथ मिला लिया है। अक्षय कुमार बॉलीवुड के उन कलाकारों में से एक जिन्होंने एक्शन और कॉमेडी दोनों से बॉक्स ऑफिस धमाल मचाया है। बीते कुछ वक्त से खिलाड़ी कुमार एक्शन फिल्मों पर ज्यादा ध्यान दे रहे हैं। हालांकि अब उनकी ज्यादातर एक्शन फिल्में बॉक्स ऑफिस पर बुरी तरह से फ्लॉप हो रही हैं। बैक टू बैक फ्लॉप फिल्मों का सामना कर रहे अक्षय कुमार ने अब करियर में एक बड़ा दाव खेलने की कोशिश की है। अक्षय कुमार जल्द सिद्धार्थ आनंद की ओर से प्रोड्यूस्ड फिल्म में नजर आएंगे। सिद्धार्थ आनंद पठान और फाइटर के साथ बैक टू बैक ब्लॉकबस्टर फिल्में दे चुके हैं। पठान पिछले साल आई थी जिसने बॉक्स ऑफिस पर 1,000 करोड़ रुपए से ज्यादा की कमाई की थी। इस फिल्म में शाहरुख खान मुख्य भूमिका में थे। अब अंग्रेजी वेबसाइट पिंकविला की खबर के अनुसार अक्षय कुमार ने डायरेक्टर मिलन लुथरिया की फिल्म में नजर आएंगे। बताया जा रहा है कि अक्षय कुमार और मिलन लुथरिया की इस फिल्म का निर्माण सिद्धार्थ आनंद की मार्फ्लिक्स की ओर से किया जा रहा है। हालांकि अभी फिल्म का टाइटल तय नहीं हुआ है और बाकी एक्टर्स की अनाउंसमेंट करना बाकी है। सिद्धार्थ ने मिलन लुथरिया और रजत अरोड़ा की निर्देशक लेखक जोड़ी को एक साथ लाकर एक एक्शन फिल्म विकसित की है। जब स्क्रिप्ट फाइनल हुई तो तीनों ने कंसेंसस महसूस किया कि अक्षय कुमार फिल्म के लिए सही एक्टर हैं और स्क्रिप्ट सुनने के बाद अक्षय को भी लगा कि यह उनके लिए सही फिल्म है।